नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपीएम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम एक प्रशिक्षित, एक कुशल और एक स्किल्ड डॉक्टर कैसे बने, यानी हम एक डॉक्टर कैसे बने, हम एक चिकित्सक कैसे बने। दोस्तों देखिए, चिकित्सक बनना हमारे देश में एक गौरव का विषय है। अगर आप चिकित्सक बनते हैं तो आप एक अच्छी सोसाइटी में, आपकी एक अच्छी इमेज होगी। तो दसवीं के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि मैं चिकित्सक बनूं या नहीं। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं क्लास इलेवेंथ में तो आप चिकित्सक बन सकते हैं, अगर आप अदर साइड लेते हैं तो आप चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। हालांकि चिकित्सक बनने का मन आपका मन बचपन से ही होना चाहिए, तभी आप उस विषय में ज्यादा कार्य करेंगे, उस विषय में आप ज्यादा मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका मन है तो आप 11वीं के बाद बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट लीजिए, एक एम बनाइए, 12th पास करिए और एक एंट्रेंस एग्जाम दे करके काफी अच्छे आप डॉक्टर बनिए, अच्छी कॉलेज लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने एम को, अपने ड्रीम को पूरा करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों अपने व्यूज को कमेंट में लिखिएगा ताकि हमें उससे मोटिवेशन प्रोवाइड हो, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले बात एलिजिबिलिटी क्या होती है अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो। दोस्तों सबसे पहले आपके पास 11th में बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़े होने चाहिए। आपके पास अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप डॉक्टरी कर सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, आप अलग अलग डिग्रीज में जा सकते हैं डॉक्टरी से संबंधित। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि आप 12th पास करिए, अच्छे परसेंटेज से पास करिए, कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट में आपके 50% से अबव मार्क्स हों। अगर आप एम्स में और नीट के एग्जाम के थ्रू आप जाना चाहते हैं अगर मेडिकल फील्ड में, तो दोस्तों देखिए, एम्स तो जो है मेडिकल का मक्का माना जाता है। इसका एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत ही कम सीट होती है और इसकी लड़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ी जाती है। इसमें आपको बहुत मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप एम्स में डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर आपका जीवन इस तरह ऊपर चला जाएगा और आप सोचेंगे नहीं कि आप कहां तक जा सकते हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आपको इसमें सफलता मिलेगी ही, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं। सबसे पहले देखिए आप कर क्या सकते हैं इसमें। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आप MBBS की डिग्री ले सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि 4 और 5 ईयर्स की होती है। इसके बाद आपको वन ईयर आपको क्या होता है, अप्रेंटिस करना होता है, इंटर्नशिप करनी होती है कहीं पे भी। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी भी जगह जाकर के आप इंटर्नशिप करते हैं, फिर आपको MCI द्वारा, जो कि होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, आपको डिग्री प्रदान की जाती है और इस तरह से आप एक डॉक्टर बनते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप इसमें एडमिशन कैसे लें। सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करिए। एक एग्जाम होता है, NTA करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि भारत सरकार की एक नई एजेंसी है। इसके पहले CBSE ये काम कराती थी, हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब NTA इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको करा रही है। तो नीट एग्जाम आपका ये होता है, ठीक है। तो इसमें आप एग्जाम दीजिए, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 60 फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से और 60 आपका जूलॉजी और बॉटनी से। इनको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। आप इन एग्जाम्स को दीजिए। हर क्वेश्चन जो आपका होता है दोस्तों, वो 3 मार्क्स का होता है और इसको आप करेंगे, आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। पेपर को आप देंगे, पेपर में अगर आपका नंबर अच्छा आएगा तो आपको मेरिट में ऊपर स्थान मिलेगा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं आपको यहाँ कुछ कॉलेज के नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे आपका एम्स दिल्ली है, AFMC पुणे है, दोस्तों क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, जिपमर पुडुचेरी है। तो ये कुछ ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ पर आप जाने की उम्मीद करते होंगे, जहाँ पर आप जाने का सोचते होंगे। ये बहुत ही अच्छे संस्थान है, इनके जाने के बाद आप एक कुशल, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनेंगे, आप एक स्किल्ड डॉक्टर बनेंगे। तैयारी आप कैसे करें मैं आपको बताने वाला हूँ। तैयारी दोस्तों, तैयारी के लिए सबसे पहले आप पेपर्स के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, अपने वीक सब्जेक्ट को तेज करिए। दोस्तों मैं इसको देखता हूँ कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनकी फिजिक्स काफी वीक होती है, हालांकि वो फिजिक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए अगर आपको मेडिकल में जाना है, अगर आपको मेडिकल के मक्का एम्स में जाना है, तो आप क्या करिए, फिजिक्स को अपने इम्प्रूव करिए, केमिस्ट्री को अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाइए और बायोलॉजी में तो आप कुशल रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उसने आपको, आपने उसको सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो उसमें आप भयंकर तैयारी करिए, बढ़िया तैयारी करिए। इससे आप क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इसके बाद आप किसी भी डिग्री को ले सकते हैं, जैसे BDS, BHMS, BAMS, MD, MS, DM, B Pharma, BSc Nursing, BPT, इस तरह की डिग्री को आप लेंगे और आप एक डॉक्टर अलग अलग फील्ड में बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, डॉक्टर और इंजीनियर ये ऐसी फील्ड होती हैं जो एक समाज में इम्पैक्ट लाती हैं, बहुत ही अच्छी फील्ड होती हैं। इसमें आपको करना क्या है कि आप पहले तैयारी करिए, एग्जाम को क्वालिफाई करिए, काउंसलिंग में जाइए, कॉलेज अलॉट होगा,
अपने फिर अपने कर्तव्य पथ पर आप निकल जाइए और आप अच्छे से एक डॉक्टर बने और आप बहुत ही आगे जाएं, इसी उम्मीद के साथ। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो थैंक यू दोस्तों।